हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो दैट इज़ ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या स्टडी करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स के की गई है। फॉर एग्जाम्पल, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ये नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हैं। सेक्राइड जो आ रहा है, इट इज ड्राइव फ्रॉम अ सेक्रम, मीन्स शुगर यूनिट्स। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। लेट्स टॉक अबाउट मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड हम किसे कहेंगे? मोनोसेक्राइड्स, जैसा कि पहले ही बताया कि इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेक्रम व्हिच मीन्स शुगर। सेक्रम से हमें मिलता है, जिसका मतलब होता है शुगर। ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं, इन्हें कहेंगे हम ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा के केमिकल जो नेम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है। इस मोनोसेक्राइड्स में नंबर ऑफ कार्बन 3 to 7 होते हैं। 3 से लेकर 7 तक इनमें नंबर ऑफ कार्बन हमें मिलेंगे। और ये उनका फार्मूला होता है मोनोसेक्राइड्स का, CnH2ON एंड नंबर ऑफ एटम्स को कितने एटम्स मिलेंगे उसको डेनोट करता है CnH2ON। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये ब्रेक नहीं हो सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। हाइड्रोलाइसिस, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, हाइड्रोलाइसिस किस तरह से ब्रेकिंग होती है मॉलिक्यूल की, ये ब्रेक नहीं हो सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे सिंपल शुगर। क्या कहेंगे? इज आर आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। सिंपल शुगर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकेंगे, इसीलिए कहेंगे मोनोसेक्राइड्स को, मोनोसेक्राइड्स आर कंसीडर्ड एज अ सिंपल शुगर। स्वीट इन टेस्ट, जब हम इनका टेस्ट देखेंगे तो वो क्या होगा? स्वीट होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ क्लासिफिकेशन। किस चीज़ की क्लासिफिकेशन है? कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन है ये। किसकी बेसिस पे है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे है। ट्रायोस 3 कार्बन, C3H6O3, एग्जाम्पल है ग्लाइसरा एल्डिहाइड। ट्रेट्रोस 4 कार्बन, C4H10O4, और टेट्रोस का एग्जाम्पल है एर्थ्रोस। पेंटोस 5 कार्बन, C5H10O5, एग्जाम्पल है राइबोस। हेक्सोस 6 कार्बन, C6H12O6, एग्जाम्पल है ग्लूकोज इसका। हेप्टोस 7 कार्बन, C7H14O7, एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोस। मोनोसेक्राइड्स हमें यूजुअली जो मिलते हैं वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में मिलते हैं। मोनोसेक्राइड्स, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं ना मोनोसेक्राइड्स, तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं हमें किस चीज़ में मिलते हैं? ओपन स्ट्रक्चर में मिलते हैं। दिस इज़ अ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन में मिलते हैं। किस चीज़ में मिलते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में ओनली मिलते हैं। जब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर में होते हैं। बट जब ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में, तो डिसॉल्व होने के बाद ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। ये अब क्या बनी? क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनी, ओपन रिंग स्ट्रक्चर। जब ये किस चीज में थी? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में थी, क्रिस्टल्स में थी,
तब ये क्या थी, ओपन थी। जब ये डिसॉल्व हो गई वाटर में तो ये क्या हो गई, क्लोज में, मींस मोनोसेक्राइड्स की ये प्रॉपर्टी है कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ये प्रॉपर्टी है मोनोसेक्राइड्स की। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, यह ग्लूकोज की ओपन चेन है और ये ग्लूकोज की रिंग चेन है। ओपन चेन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में, जब ये फर्स्ट कार्बन, दिस इज अ फर्स्ट कार्बन और ये दिस इज अ सेकंड लास्ट कार्बन, मीन्स फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के इन बिटवीन क्या होगा, रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो ये जो ओपन स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाएगी, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनी है इस रिंग स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पायरेनोज। पायरेनोज क्यों कहेंगे, क्योंकि इस रिंग स्ट्रक्चर में 5 कार्बन हैं और 6 कार्नर्ड स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी क्लोज स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन हैं, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज अ फर्स्ट कार्बन, दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज अ फिफ्थ। हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, 5 कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस क्लोज स्ट्रक्चर। नाउ 6 कार्नर्ड, लेट्स काउंट द कार्नर, दिस ऑक्सीजन, दिस इज अ 1 कॉर्नर ऑफ द रिंग, सेकंड, थर्ड, दिस इज अ थर्ड एंड फोर्थ, दिस वन इज अ फिफ्थ एंड दिस वन इज अ सिक्स्थ। 6 कार्नर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरेनोज, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 हो और कार्नर्स कितने हों, 6 कार्नर्ड हों, तो इस क्लोज रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पायरेनोज। कि ये क्या है, ये पायरेनोज है। इस तरह से जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी जब फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज हम किसे कहेंगे, जब ये हाइड्रोऑक्सिल, दिस इज हाइड्रोऑक्सिल प्रेजेंट 8 कार्बन नंबर फर्स्ट, पहले कार्बन पे जो ये हाइड्रोऑक्सिल है वो इस तरह से डाउन होगा, इस तरह से डाउन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ डाउनवर्ड पोजीशन में होगा, तो ये होगी अल्फा फॉर्म ग्लूकोज की। और यहाँ पे ये देखें, ये सेम ग्लूकोज की क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो हाइड्रोऑक्सिल है वो पहले कार्बन पे है तो सही, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो अपवर्ड है। अगर इस तरह से होगा तो इसे कहेंगे हम बीटा। अल्फा अल्फा फॉर्म में मिलता है और हमें बीटा फॉर्म में ग्लूकोज मिलता है।